हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ यूज़ करेंगे एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज बार के अंदर फंक्शन लाइब्रेरी का। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में इंसर्ट फंक्शन, ऑटोसम और रिसेंटली यूज किया था। सेकंड पार्ट में फाइनेंशियल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन का यूज किया था। आज हम बात करेंगे इसमें टेक्स्ट फंक्शन का यूज। टेक्स्ट फंक्शन का यूज किस प्रकार होता है? इसके अंदर टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ओनली टेक्स्ट का यूज होता है, इसके अंदर कोई भी नंबर का यूज नहीं होता। यह बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से होता है टेक्स्ट फंक्शन का यूज। इसमें किसी भी नंबर का यूज नहीं करना पड़ता हमें, इसमें ओनली टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने यहाँ कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया, तब इसमें सबसे पहले टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये देखिए अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, इनका यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है, लोअर, इसका यूज करेंगे। इसका यूज किस प्रकार करेंगे, हम टेक्स्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए टेक्स्ट फंक्शन पर क्लिक किया, उसमें ये देखिए इस प्रकार अलग अलग फंक्शन आ गए हैं। इसमें हम जैसे लोअर पर क्लिक कर लेते हैं, ये देखिए हमने लोअर पर क्लिक कर लिया, तो ये लोअर पर क्लिक करने पे इससे इस प्रकार टेक्स्ट आ गया। तो ये जो हमने टेक्स्ट है लोअर में लेना है उसे ले लेंगे, ये ले लिया और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए कंप्यूटर सॉल्यूशन आ गया, ये लोअर में लिखा आ गया कि ये छोटे अक्षरों में आ गया। लोअर का मीनिंग क्या होता है, जो कैपिटल टेक्स्ट है उन्हें स्मॉल लेटर में यूज करता है, कैपिटल लेटर को। इसी प्रकार अब बात करते हैं अपर का, अपर फंक्शन का यूज। सेम उसी प्रकार जैसे लोअर का किया है उसी प्रकार अपर लोअर का करेंगे। तो फॉर्मूले बार में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम अपर फंक्शन देखेंगे। ये देखिए देख है अपर, इस पर क्लिक कर लिया, ये देखिए इस प्रकार ये स्टार्ट हो गया। इसी में भी टेक्स्ट मांग रहा है, इसमें क्या है जो हमने अभी स्मॉल लेटर में किया है कैपिटल लेटर को वो ले लेते हैं। अपर का मतलब है जो स्मॉल लेटर है उसे अपर लेटर में करेगा ये, और ओके कर देंगे। ये देखिए सभी स्मॉल लेटर थे वो कैपिटल लेटर में आ गए हैं। तो ऐसे मैंने इससे पहले वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में, उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर एमएस एक्सेल के फॉर्मूले में लोअर और अपर का भी यूज बता रखा है मैंने, आप उसमें भी देख सकते हैं। और एक बार फिर भी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया ये सेम फंक्शन का। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या दे रखा है इसके अंदर, प्रॉपर। प्रॉपर का यूज कैसे होता है ये प्रॉपर में दिखाएगा हमें टेक्स्ट है। जैसे ये देखिए आप यहाँ नोटिस करें टेक्स्ट जो ले रखे मैंने, ये देखिए इसमें कहाँ कैपिटल है कहाँ स्मॉल है लेटर में है, तो इसे प्रॉपर तरीके में शो करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ नीचे फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूले में टेक्स्ट पर क्लिक किया और इसमें हम प्रॉपर पर क्लिक करेंगे। ये प्रॉपर ले लिया हमने, ये देखिए हमने प्रॉपर ले लिया। फिर ये देखिए यह क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है, तो हमें कौन सा टेक्स्ट प्रॉपर में लेना है तो वो ले लिया हमने और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमने ओके पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए इसमें कहीं कैपिटल था कहीं स्मॉल था, अब ये प्रॉपर तरीके में दिखा रहा है हमें। अब आगे नेक्स्ट फंक्शन है इसके अंदर लेफ्ट। लेफ्ट का क्या है कि हमारा जैसे जो टेक्स्ट ले रखा है इसमें से हमें जैसे लेफ्ट साइड के टेक्स्ट चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, हम फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। ये हमने लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट आ गया, फिर ये टेक्स्ट मांग रहा है, तो हमें जो टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट ले लेंगे हम। ये हमने टेक्स्ट ले लिया इसमें लेफ्ट के लिए, लेफ्ट पर क्लिक किया था। फिर ये क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर मांग रहा है भाई, हमें लेफ्ट साइड से कितने करेक्टर चाहिए, हम जैसे 5 दे देते हैं यहाँ, ये हमने 5 दे दिया और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए ओके पर क्लिक किया, तो ये लेफ्ट साइड के 5 टेक्स्ट निकल के आ गए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्या है, राइट है। राइट का करेंगे, फॉर्मूले बार मेन्यू में जाएंगे और टेक्स्ट के अंदर राइट पर क्लिक करेंगे।
ये राइट ले लिया, उसी प्रकार जैसे लेफ्ट लिया था इस प्रकार राइट है। फिर हमने जो टेक्स्ट हमारा वो ले लिया, और फिर इसमें भी नंबर मांग रहा है, इसमें हम 7 करेक्टर ले लेते हैं, नंबर ऑफ करेक्टर, और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए राइट साइड के 7 करेक्टर ले लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, मिड वैल्यू, ये तो लेफ्ट और राइट निकाला था, अब बात करते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर्मूले मेन्यू के अंदर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें मिड पर क्लिक कर देंगे। ये हमने मिड पर क्लिक कर दिया, फिर ये टेक्स्ट मांग रहा है तो हम ये टेक्स्ट ले लेते हैं, ये टेक्स्ट वैल्यू आएगी इसकी रेंज। फिर क्या है, स्टार्ट नंबर है, भाई हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये मिड वैल्यू है तो मिड वैल्यू बीच में से स्टार्ट होती है, उसके हिसाब से करेक्टर लेने हैं। तो हम चाहते हैं ये 4 से स्टार्ट होए, तो यहाँ 4 नंबर टाइप कर देते हैं। फिर क्या, नंबर ऑफ करेक्टर कितने चाहिए आपको, तो वो दे देते हैं हम, 6 दे दिया, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए तो ये 4 कहाँ से स्टार्ट है, ये रहा पी से स्टार्ट था और इससे 6 करेक्टर तक आ गया। अब ये देखिए यहाँ 6 करेक्टर तक आया है, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ 5 करेक्टर शो हो रहा है हमें, यहाँ 5 करेक्टर शो क्यों हो रहा है, यहाँ बीच में स्पेस है, तो ये स्पेस के साथ 6 करेक्टर शो किए है इसने हमें। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसके अंदर, रिपीट। रिपीट का क्या है कि हमें कोई टेक्स्ट बार बार रिपीट करवाना हो तो किस प्रकार करा सकते हैं, तो उसका यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले मेन्यू के अंदर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इस पर रिपीट ले लेंगे, ये रिपीट आ गया। फिर ये क्या, टेक्स्ट वैल्यू मांग रहा है हमें कौन सा टेक्स्ट रिपीट करवाना है, तो वो ले लेंगे, जैसे हमने ये ले ली टेक्स्ट। फिर नंबर टाइम्स, भाई कितनी टाइम्स रिपीट करवाना है हमें, तो वो ले लेंगे, हमने जैसे 5 बार ले लिया, 5 बार रिपीट करवाना है, किया गया, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये चीज़ सेम 5 बार रिपीट कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिनेट, इसका यूज किस प्रकार होएगा, इसमें ये देखिए मैंने जैसे यहाँ कोई नेम ले लिया, टेक्स्ट की तरह टाइप कर लिया, तो इसमें जैसे मैंने रवि कुमार सिंह ये अलग अलग लिया है जैसे इस प्रकार है, तो ये मैं चाहती हूँ भाई एक साथ शो करे और ये स्पेस के साथ शो करे कि एक साथ चिपके ना एक दूसरे के, उस हिसाब से शो करे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए क्या स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू से, ये इक्वल टू स्टार्ट कर लिया। ये देखिए हमने जैसे CON लिखा, इतने में ये पूरा आ गया कॉन्टिनेंट, इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये आ गया। फिर ये देखिए कॉन्टिनेंट के बाद यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है, ये देखिए टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 इस प्रकार चलता रहेगा ये सारा। तो अब हमें जैसे इनका लेना है, तो ये पहले हमने टेक्स्ट 1 ले लिया, ये आ गया। इसके बाद क्या देखा है, यहाँ कोमा, इस पर क्लिक कर देंगे हम, कोमा लगा दिया। फिर हमें इसके भाई एक दूसरे के ना चिपके तो क्या देना है, स्पेस देना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, डबल कोट स्पेस फिर डबल कोट देंगे, फिर डबल कोट के बाद फिर कोमा। फिर इसी प्रकार अब टेक्स्ट 2 मांग रहा है, फिर ये वाला टेक्स्ट ले लिया हमने, फिर टेक्स्ट के बाद क्या, कोमा, तो कोमा लगा देंगे, फिर उसी प्रकार डबल कोट, फिर स्पेस, फिर डबल कोट, फिर कोमा लगा दिया। फिर इसी प्रकार टेक्स्ट 3 ले लिया, फिर कोमा की जरूरत नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए जो अलग अलग सेल्स में थे जो हमारे टैग नेम, वो अब एक ही सेल में शो कर रहा है और ये स्पेस के साथ शो कर रहा है रवि कुमार सिंह। इस प्रकार आप कॉन्टिनेंट फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं इस प्रकार। फिर इसी में एक और फंक्शन दे रखा हमारा यहाँ टेक्स्ट, टेक्स्ट का भी यूज किस प्रकार करेंगे टेक्स्ट फंक्शन के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे हम यहाँ कोई डेट ले लेते हैं उसका यूज करेंगे हम, कि हमने यहाँ जैसे टेक्स्ट फंक्शन का यूज करने के लिए डेट ले ली, तो इस डेट का यूज किस प्रकार करेंगे, तो इसे हमें इस प्रकार यूज करना है कि हमें ये बताएगी डेट अलग हो, मंथ अलग दिखाए और ईयर हमें अलग दिखाए, और साथ में ये हमें बताए कि उस दिन कौन सा डे था, भाई कौन सा वार था, वो बताए। जैसे हमारे
कंप्यूटर में नीचे की तरफ दिया होता है उस प्रकार शो करेगा ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ सेल ले लिया, फिर इक्वल टू प्रेस कर दिया, फिर टेक्स्ट टाइप करेंगे। ये देखिए हमने टेक्स्ट टाइप किया तो ये इस प्रकार आ गया, इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमने टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया था, फिर इसमें यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या दिखा रहा है हमें, यहाँ पहले क्या मांग रहा है, वैल्यू, वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू लेनी है। वैल्यू कौन सी लेंगे हम, जैसे ये वैल्यू ले लेते हैं, ये वैल्यू ले ली, फिर क्या है कोमा, ये कोमा ले लिया, फिर हमें क्या डेट चाहिए, वो डेट चाहिए तो वो डेट ले लेंगे, कोमा लगा लिया था, फिर क्या है फॉर्मेट टेक्स्ट है, हमें डेट निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ डबल कोट पर क्लिक करेंगे और बी डी ले लेंगे, डी डी क्या मतलब है डेट शो करनी, ये ले लिया, फिर डबल कोट क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए एंटर प्रेस कर दिया तो वे देखिए ये डेट आ गया, क्योंकि ये देखिए डेट हमारी इस प्रकार शो क्यों कर रही हमें, क्योंकि ये हमारा मंथ है और ये डेट है और ये ईयर है, जिस प्रकार कंप्यूटर में दी होती है उस प्रकार शो होती है ये हमें। नेक्स्ट क्या है, मंथ निकालते हैं, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस, फिर टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, टेक्स्ट ले लिया हमने, फिर इसी में भी उसी प्रकार वैल्यू, ये वैल्यू ले ली, फिर कोमा, फिर डबल कोट में मंथ, ये मंथ के लिए एमएम टाइप कर लिया और डबल कोट लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए मंथ शो कर रहा है। इसी प्रकार सेम ईयर, ईयर के लिए भी ये कर लिया, इक्वल टू प्रेस कर लिया, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट ले लिया, फिर उसी प्रकार वैल्यू, ये वैल्यू ले ली हमने, फिर कॉमा, फिर डबल कोट, फिर वाई वाई, फिर डबल कोट, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लिया और एंटर प्रेस। ये देखिए ये ईयर आ रहा है, ईयर क्या 2020, क्योंकि ये देखिए सिस्टम में भी इसी प्रकार शो करता है, उसी प्रकार शो कर रहा है हमें। क्या डे भी हमें दिन निकालना है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसी प्रकार यूज करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, ये ले लिया और इस पर क्लिक कर लिया, फिर ये देखिए वैल्यू मांग रहा है, फिर वैल्यू ले लेते हैं, फिर कोमा, फिर डबल कोट, फिर डे निकालना है हमें, तो 3 बार डी ले लिया, डबल कोट और ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर प्रेस। ये देखिए ये क्या बता रहा है, 4 तारीख 5वें महीने 2020 में कौन सा दिन है, मंडे, तो ये आप कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।